महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। होशंगाबाद पुलिस को चुनाव के पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2.25 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। होशंगाबाद के सुहागपुर में नशे के बढ़ते कारोबार के चलते गांजा सप्लाई किए जाने की सूचनाएं तो मिलती रहती हैं, लेकिन गांजा तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगते थे। इस बार मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी गांजा तस्कर अपल रेड्डी और झांसी के संजीव कुमार को ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। कल शाम सुहागपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आयशा गाड़ी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आंध्र प्रदेश का है, तो उस गाड़ी में गांजा आ रहा है और इसको थारोली चेक करने पे गांजा मिलेगा। तो इस आधार पे पुलिस टीम ने जब इसको यहाँ पे रोका सुहागपुर और सुहागपुर के बीच में, और उसके बाद चेकिंग की तो जो उसमें ड्राइवर था और उसका एक साथी था, उनका ये कहना था कि इसमें आप देख लीजिए, हमें तो खाली है पूरा ट्रक हमारा। जब पीछे से देखा है पुलिस टीम ने तो शायद पीछे से पूरा खाली था और रबड़ के पैड बिछे हुए थे। बाद में जब रबड़ के पैड को हटाया गया तो देखा उसमें कि कुछ इस प्रकार की पैनल बनी है जिससे वो फर्श में बॉन्डिंग नहीं रहती। तो जब उसके फर्श को और खोल के देखा गया तो देखा कि नीचे जो है उसमें चैम्बर बने हुए थे जिसमें गांजे के पैकेट रखे हुए थे, और 93 पैकेट थे संख्या में कुल, जब बाद में मतलब पूरा उसको अपने ढंग से गिना है। पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना ने बताया कि दोनों आरोपी क्षेत्र में ही किसी को गांजा सप्लाई करने वाले थे जो पकड़े गए हैं। 1 क्विंटल 87 किलो जब्त गांजे की कीमत करीब 18 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPC एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।